दोस्तों, आप सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपको डर लगता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको अपने लाइफ में किसी ना किसी चीज से डर ना लगे। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को ऑब्जर्व किया है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, फैमिली रिलेटिव्स या फिर कोई अदर थिंग्स भी, तो यार सबको किसी ना किसी चीज से, अपने खुद के या फिर किसी और के चीजों से डर लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको पता होगा कि उनका स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि किस चीज में वो सबसे स्ट्रांग है, ये भी पता होता है। ठीक है, ये भी पता होता है कि किस चीज से उनकी कमजोरी है। ठीक है ना, किसी इंसान से वो हो सकती है, चाहे वो किसी वस्तु से हो सकती है या फिर किसी चीज से हो सकती है। ठीक है, और सभी को पता होता है कि मेरे लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और वो अपॉर्चुनिटी को अगर मैं ग्रैब कर लूं अपने हाथों से तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। और बहुत सारे लोग चाहते हुए भी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते। तो ये क्या चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आइए जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है दोस्तों SWOT, यानी स्वॉट एनालिसिस। अब ये जो स्वॉट एनालिसिस है, ये बहुत ही मतलब होता है ना, हाई प्रोफाइल वर्ड है। क्योंकि अगर ये स्वॉट एनालिसिस आप लोग खुद का कर लोगे ना, तो जरूर से अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने के राह पे चल पड़ोगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR Talks में। तो आज हमारा टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा टाइप का एनालिसिस है जिसमें आप सभी लोग अपना सभी का खुद का एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ पहचान पाओगे, आप सभी लोग अपना खुद का वीकनेसेस पहचान पाओगे, आप सभी का अपना खुद का अपॉर्चुनिटी पहचान पाओगे, और किस चीज से आपको डर लगता है, थ्रेट किससे है आपको, ये भी पहचान पाओगे। और अगर आज का इस वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग ने ये अपना SWOT यानी स्वॉट को पहचान लिया और उसको एनालाइज किया अपने लाइफ को लेके, अपने रियल प्रैक्टिकल जिंदगी को लेके, तो ट्रस्ट मी दोस्तों, ये चीज आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस लाने वाली है आज से, ये ध्यान में रखना। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो यार आपके एकेडमिक्स में आपका मार्क्स इंप्रूव हो सकता है, आप अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो। अगर आप एक ग्रेजुएट पर्सन हो और जॉब की तलाश में हो, तो हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपकी जॉब भी लग जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी बातों भी होने वाली है यहां पे इस वीडियो के अंदर। और हो सकता है अगर आप एक वेल जॉब करने वाले मेच्योर्ड व्यक्ति हो, तो आपके लाइफ में आपकी चीजें कहां रह गई है, कहां पे आप लैग कर रहे हो, किस चीज में आपको फोकस करना चाहिए और नहीं कर पा रहे हो, ये सभी चीज इस एनालिसिस से आप खुद ही अपने आप में ही पहचान सकोगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एस यानी स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ है क्या? देखो, स्ट्रेंथ का मतलब जैसे कि आप जानते हैं यार, इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है हमारा ताकत, हमारा किस चीज में सबसे स्ट्रांग है, हमारा खुद का नॉलेज प्लस साथ ही में हमारा फिजिकल हो चाहे एज वेल एज मेंटल हो। यानी कि जैसे कि ये भी एक चीज तो समझते होंगे कि यार हर एक इंसान का कुछ ना कुछ एक ताकत होता है। जैसे आप मुझसे पूछोगे, तो जब मैंने अपनी टीचिंग की करियर की शुरुआत की थी, ठीक है, तो मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी जब पढ़ाता था लॉकडाउन के पहले, उस टाइम पे मैं साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता था, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था। उस टाइम पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो ऑटोमोबाइल वाले सब्जेक्ट्स थे, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं खुद एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं, तो वहां पे मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, जैसे व्हीकल सेफ्टी हो गए, ठीक है ना, इंजिन के बारे में पढ़ाता था, व्हीकल इंजिन हो गए, व्हीकल ट्रांसमिशन हो गया, व्हीकल सेफ्टी के बारे में पढ़ाता था, ये सभी चीज के बारे में मुझे नॉलेज है तो मैं पढ़ाता था। तो ये क्या है, मेरा एक स्ट्रेंथ है, ये मेरा एक मजबूती है। कल को अगर कोई कहीं पे भी मुझे पढ़ाना हो, लेट सपोज मुझे जाके कहीं पे लेक्चर देना है, तो मैं वही चीज चूज करूंगा जो मेरा सबसे स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा स्ट्रेंथ है। तो आप में से कई ऐसे लोग होंगे, ये देखो ये टॉपिक मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये वीडियो जब आप देखो तो आप खुद ही अपने आप से पूछो कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। आप अपने आप से पूछो, ये वीडियो को पॉज करो यहां पे और थोड़ा 2 मिनट सोचो कि यार मेरा स्ट्रेंथ क्या है। क्या अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो क्या आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है, कि क्या आपको मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, क्या आपको साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, क्या सोशल स्टडी, इंग्लिश, कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो आपका ताकत होगा कि यार ये सब्जेक्ट में तो मुझे कोई मात नहीं दे सकता, ये सब्जेक्ट में थोड़ा भी अच्छे से प्रिपेयर कर लू ना, ये सब्जेक्ट में टॉपर बन जाऊंगा। तो अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो, ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति यानी एक स्टूडेंट हो, तो आप अपने सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, मेरा स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो। अगर आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हो, समझ रहे हो, अगर एक जॉब करने वाले व्यक्ति हो, तो अपने आप से पूछो कि आप जॉब जो कर रहे हो, इतने सारे प्रोफाइल्स आपने चूज किए हैं, हो सकता है आप में से कई सारे ऐसे जॉब करने वाले हो जो सुपरवाइजर हो सकता है ऐसे जॉब करने वाले हो जो कोई इंजीनियर हो किसी कंपनी में, हो सकता है कोई सेल्स डिपार्टमेंट में हो, कोई मार्केटिंग में हो, कोई फाइनेंस में हो, बहुत सारी चीजें होती है जॉब के फील्ड में। तो आप अपने आप से पूछो व्हाट इज योर एक्सपर्टीज, आपका एक्सपर्टीज क्या है, ये आपका स्ट्रेंथ पता करेगा। समझ लो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो गए आप में से जो सेल्स में एक्सपर्ट होंगे, मतलब कोई भी चीज दे दो आप बेच दोगे उसको, मैं बोलूंगा कि ये पेन बेच के दिखाओ तो आप बेच दोगे उसको। बहुत सारे के अंदर वो स्किल नहीं होता, फंबल करने लगते हैं, कोई सामान बेचने बोल दो नहीं बेच पाएंगे। तो अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, तो आप उसी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो, देखो कामयाबी आपके हाथ लगेगी। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं, ठीक है, मेरे ही रिलेटिव में एक बंदा है,
ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो आज के रेट में सिर्फ 21 साल का है और वो लगभग 50,000 प्लस सैलरी उठा रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेल करके, मार्केटिंग करके, उसको बात करने का तरीका उतना अच्छा है। तो यार अगर वो बंदा कोई इंजीनियरिंग वाला जॉब करता जाके, अगर उसके पास सेल्स का स्किल है, मार्केटिंग का स्किल है, और वो जाके कोई इंजीनियरिंग कंपनी में कंप्यूटर पे डिजाइन कर रहा होता, तो क्या वो सक्सेसफुल होता? नहीं होता। तो अपना स्ट्रेंथ पहचानो और वो स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस हो जाओ। मेरा स्ट्रेंथ है टीच करना, मेरा स्ट्रेंथ था साइंस, फिर आप लोग के प्यार के कारण मैंने मैथ्स पढ़ाना शुरू किया और वो मेरा स्ट्रेंथ बन गया। तो ये स्ट्रेंथ जो है अब उसी को लेके मैं आगे चल रहा हूं, करेक्ट है? तो वो स्ट्रेंथ को पहचानो और उसको लेके आगे चलो, देखो कामयाब क्यों नहीं बनोगे, आराम से और इजी तरीके से कामयाब बनोगे। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट मेरे लिए क्या है, स्ट्रेंथ हो गया। अब सेकंड है डब्ल्यू, यानी वीकनेस। वीकनेस क्या हो सकता है? अब जैसे कि सिर्फ स्ट्रेंथ को लेके अगर आगे बढ़ रहे हो तो कामयाब हो गए, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन जिस दिन आपने अपना वीकनेस पहचान लिया, जिस दिन आपने अपना वीकनेस पहचान लिया, तो कोई भी आपको गिरा नहीं पाएगा, ये ध्यान में रखना। क्योंकि अगर किसी लोग को आपका वीकनेस पता है, कि आपको पता है, उनको पता है कि यार ये बंदा ना इस चीज में कमजोर है, ये बंदे को ना ऐसे करोगे ना तो ये अपने आप गिर जाएगा। तो अगर किसी इंसान को आपका वीकनेस पता है तो वो आपको बार बार गिराएगा और आप उठ के खड़े भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था कि कामयाब और सक्सेसफुल इंसान वही है जो 10 बार फेल होके नीचे गिरे, लेकिन 11वीं बार उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो फिर से उठ के खड़ा हो जाए, वो है सच्चा हसल, वो है सच्चा इंसान जो मेहनत करता है, ठीक है। तो वो जरूर आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला आपको कि हमारा दूसरा चीज क्या है, वीकनेस। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने आप से पूछो कि व्हाट इज द वीकनेस ऑफ योर सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स में क्या वीक है? जैसे मैंने स्ट्रेंथ की तो बात कर ली, लेकिन वीकनेस के ऊपर कौन फोकस करेगा? क्योंकि अगर आप सिर्फ साइंस में अच्छे हो, बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो, तो क्या आप 90% निकाल सकते हो? नहीं। तो स्ट्रेंथ होना अच्छी बात है, वो अपने जगह बिल्कुल सही है, लेकिन वीकनेस को पकड़ना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है वीकनेस? समझ लो आप एक स्टूडेंट हो तो वीकनेस सब्जेक्ट क्या है, समझ लो बहुत सारे लोग का वीकनेस जो होता है मैथ्स होता है। मैंने ज्यादातर बच्चों को पूछा तो लोग बोलते हैं सर मुझे मैथ्स से डर लगता है। तो मैथ्स सब्जेक्ट में डर क्यों लग रहा है, क्यों है ये वीकनेस? क्या आपको इस चीज से प्रॉब्लम आ रही है? वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। लेट सपोज आपका प्रॉब्लम है कि आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होते, आपको प्रॉब्लम ये है कि उस फॉर्मूले को आप कन्वर्ट नहीं कर पाते एग्जांपल्स को सॉल्व करने में, तो आप वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कैसे करते हैं वो देखो, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को देखो, टाइम लगेगा, लेकिन वो जो आपका वीकनेस है ना, वो भी एक ना एक दिन कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ में। तो जरूरी है कि आप अपना वीकनेस पहचानो, ये बात कर रहा हूं स्टूडेंट के लिए। वही अगर आप ग्रेजुएट पर्सन हो, जॉब करने वाली व्यक्ति हो, तो आप अपने आप से पूछो कि क्या चीज में मैं लैक कर रहा हूं। मेरे को अगर 10,000 मिल रहा है मंथली सैलरी, और सेम मेरे जैसा ही बंदा, मेरे इतना पढ़ा लिखा बंदा, उसको 25,000 मिल रहा है सैलरी, तो मेरे और उसमें फर्क क्या है? तो आपके अंदर कुछ वीकनेस है जो उसके अंदर नहीं है। तो वो अपना वीकनेस पहचानो। हो सकता है कि आप एक्सेल में अच्छे नहीं हो, हो सकता है आप मार्केटिंग में अच्छे नहीं हो सकता है आपने जो, अगर आप एक डिजाइन इंजीनियर हो तो डिजाइन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज कम है, आपको सॉलिड वर्क्स, ऑटोकैड, ये सब चीज का नॉलेज कम है, ठीक है, मेटलैब का नॉलेज कम है। तो इस प्रकार के नॉलेजेबल पर्सन बनो। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आपका कोडिंग उतना रिलेवेंट नहीं है जितना बाकी लोग का है, तो वो कोशिश करो। तो वीकनेस जिस दिन आप पहचान पाओगे, उस दिन आप उस वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने के लिए कोशिश नहीं करोगे। तो आपका पहले वीकनेस पहचानो, उसको स्ट्रेंथ बनाओ और अपने आप देखो कामयाब बनते हो। ये था हमारा दूसरा पॉइंट जो कि था अपना वीकनेस पहचानना। तीसरा पॉइंट ये है हमारी तरफ से जो कि है दोस्तों अपॉर्चुनिटी। अब है क्या ये अपॉर्चुनिटी? क्या है अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि हमें जो है ना, भगवान बोलते ना कि यार सब ऊपर वाले के हाथ में, तो चलो यार हम मान लेते हैं कि ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन ऊपर वाला आपको रास्ता दिखा रहा है। एक कहानी सुना है ना आपने कि वो एक जहाज होता है, वो जहाज में एक व्यक्ति जा रहा होता है, फिर सडनली कुछ हाई टाइड्स आता है, मतलब लहर आ जाती है, वो जहाज पलट जाता है और वो इंसान बचाव बचाव करता है, ठीक है। तो दूर से एक शिप आती है, वो शिप आके उसको बोलती है कि चलो मैं तुम्हें हाथ देता हूं, तुम आ जाओ मेरे शिप पे आ जाओ। तो बोलता है नहीं नहीं तुम मत आओ, मैं ऊपर वाले को बोल रहा हूं बचाओ, भगवान आएगा मुझे बचाएगा, ठीक है। और वो शिप बोलता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, वो चला जाता है। उसके वापस से बाद वो बचाओ बचाओ चिल्लाता है भगवान से, तो थोड़ी देर के बाद एक और शिप आता है, ठीक है, वो उसको अपना हाथ देता है, फिर बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ भी नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे को बचाने के लिए ऊपर वाला आएगा। ऐसे 3-4 बार हो जाता है और एंड में बहुत सारे शिप्स निराश होकर लौट जाती है और वो अपना हाथ किसी को देता नहीं और वो डूब के मर जाता है। फिर वो जब ऊपर जाता है भगवान को मिलता है, तो भगवान को बोलता है कि भगवान मैंने आपको इतना अच्छे से पूजा किया, सब कुछ किया, आपने भगवान मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान बोलता है अरे यार बेवकूफ कैसी बात करता है तू, मैंने तेरे को इतनी बार बचाने के लिए 3-3, 4-4 शिप्स भेजे, तूने बोला भगवान आएंगे, यार मैंने तो भेजा था वो। तो सेम वही चीज, अपॉर्चुनिटीज हमारे आंखों के सामने होती है लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है एज ए स्टूडेंट कि यार मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कोई भी चीज के लिए, ठीक है ना, जैसे बच्चे ऐसे होते हैं जो जेडब्ल्यू का एग्जाम देना चाहते हैं लेकिन बोलते हैं कि नहीं यार जेडब्ल्यू तो बहुत टफ है, जेडब्ल्यू देखिए क्या करूंगा, मेरे से तो होएगा ही नहीं, मैं तो एक 60-70% लाने वाला व्यक्ति हूं, जेडब्ल्यू दूंगा कैसे होगा क्लियर, मैं आईआईटी में जा ही नहीं सकता, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है। यार इतने सारे एक्सक्यूजेस पहले ही लगा दोगे तो जो अपॉर्चुनिटी आपको अपने रास्ते में दिख रहा है वो तो कभी आप पकड़ ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? तो अपॉर्चुनिटीज है दुनिया भर के,
मे बी ऑफ JEE, मे बी ऑफ इंजीनियरिंग, मे बी ऑफ नीट मेडिकल एंड देर आर सो मेनी अदर स्टफ्स। मैं मतलब बोलते जाऊंगा तो थक जाएंगे, इतने सारे करियर ऑप्शन है। तो वो क्या है आपके लिए? वो एक अपॉर्चुनिटी। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो, अगर आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हो तो आपके सामने भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज है। आप एक कंपनी में स्टिक्ट होकर 15-20 हजार कमा रहे हो, ठीक है ना, और देख रहे हो मेरे दोस्त 50 हजार कमा रहे, तो आप कैसे वो 50 हजार पे पहुंचोगे जब आप उस चीज को छोड़ना ही नहीं चाहोगे? आप बोलेंगे कि यार मैं कैसे दूसरे कंपनी में जाऊं, जंप करके कैसे मैं जॉब छोड़ के दूसरे कंपनी में जाऊं, यार इसमें मैं 2 साल कर लिया मैंने, अब मुझे यहां अच्छा लगने लगा है। तो यार आप एक ही तालाब में रहना चाहते हो, एक बड़ी मछली छोटे तालाब में रहेगी तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन वही एक छोटी मछली बड़े तालाब में रहेगी तो उसको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी और वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है एक ना एक दिन वो बड़े तालाब की भी आप बड़ी मछली बन जाओ, समय आता है सबका, तो जरूर से कोशिश करना, ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा अपॉर्चुनिटी, जहां मिल रहा है अपॉर्चुनिटी वहां पे ग्रैब करो और उसमें आगे बढ़ते रहो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है थ्रेट। अब थ्रेट क्या होता है? थ्रेट इसका एक बेसिक मीनिंग होता है कि डर लगना किसी चीज से। वीकनेस एक अलग चीज है, कमजोरी बोलते हैं हम लोग, एक थ्रेट होता है जिससे डरते हो। अब डरना मतलब क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसी चीजें, जैसे मैंने अभी जॉब की एग्जांपल दी, तो मैं भी जब जॉब के फेज में था स्टार्टिंग के टाइम पे, तो मुझे डर लगता था कि यार मैं जो जॉब कर रहा हूं, जैसे मैं आपको मेरा एक स्टोरी बता चुका हूं कि लॉकडाउन के समय में मैंने मतलब जॉब जो था मेरा वो ऑलमोस्ट चला गया था, लेकिन मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी था कि मैं वो जॉब को पकड़ू और वो जॉब करूं, क्योंकि लॉकडाउन होने के बाद भी वो जॉब के जो कंपनी के जो मालिक थे मैनेजर थे वो मुझे बुला रहे थे कि हाँ राहुल वी नीड यू, यू आर ए इंजीनियर तो आप आ जाओ काम करने के लिए। लेकिन मैंने उनको क्या बोला कि मेरे इधर से लोकल ट्रेन्स बंद हो गई थी लॉकडाउन में, सब टोटल लोकल ट्रेन बंद था, तो मैं कैसे आऊं, लगभग 1 घंटे का रास्ता था, तो मैं बाई रोड बाइक से आऊंगा तो मुझे डर लगता है बाइक से, मतलब इतना दूर जाना हाईवे पे थोड़ा रिस्की होता है ना, करेक्ट है। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार अगर ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए तो दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मेरे पास खड़ी है, जो कि है यूट्यूब। यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने चैनल बनाया था, उसके ऊपर कोई सब्सक्राइबर नहीं थे, 300-400 थे, जो कि मेरे दोस्त लोग ही थे और उनके आसपास के रिलेटिव्स वगैरह होंगे, ठीक है। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को मैंने पकड़ा और जो थ्रेट था मेरे पे, जो डर था मेरे कि यार ये जॉब गया तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा, जो थ्रेट था वो मैंने थ्रेट को बाजू में रखा, मैंने अपने इमोशंस पे गया, मैं अपने इंस्टिंक्ट पे गया कि मुझे अपने आप पे भरोसा, ये भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और इसको मैंने पकड़ा। आप लोगों के लिए मेहनत जी भर के काम किया, 8 महीने लग गए दोस्तों हमारे चैनल को मोनिटाइज होते होते, कि यार उससे मैं 1 रुपया कमा पाऊ, समझ में आ रहा है मोनिटाइज का मतलब, समझता होगा आप सभी को, क्योंकि यूट्यूब से पैसे भी मिलते हैं, थोड़े बहुत मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, ठीक है। तो यार ऑब्वियसली हम कमाते क्यों है, क्योंकि हम लोग फैमिली का देखभाल कर सके, थोड़े पैसे रहेंगे तभी तो यार घर में राशन आएगा, हम खा पाएंगे, करेक्ट है, सबके घर में यही हाल होता है। तो मैं भी एक बड़ा लड़का हूं घर का, तो मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरे पास जॉब भी था, मेरे पास यूट्यूब भी था, तो मेरे को जॉब नहीं सही लगा, मेरा जो थ्रेट था कि यार जॉब छोड़ूंगा तो क्या करूंगा कहां जाऊंगा, तो वो मैंने थ्रेट को बाजू रखा और यहां पे फोकस किया। तो सेम उसी प्रकार आपके लाइफ में कई सारे ऐसे लोग होंगे, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक नॉर्मल जॉब करने वाली ग्रेजुएट पर्सन हो, या फिर आप एल्डर हो कोई भी चीज के लिए, तो आपके लिए कोई भी थ्रेट है अगर, तो उस थ्रेट को देखो, उसका आप निकालो कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है ना, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, सब चीज माइंड में कैलकुलेट करो, फिर एक फैसला लो। और ज्यादातर यार थ्रेट से तो डरना है ही नहीं, ठीक है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे लाइफ में, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बस थ्रेट को अपने आप पे हावी मत होने देना, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो अगर आप ये खुद का स्वेट एनालिसिस कर पाओगे तो डेफिनेटली आपको अपने स्ट्रेंथ का, अपने वीकनेस का, आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाले और किस चीज से आपको डर लग रहा है, ये सभी चीज आप पता कर सकोगे और उस पर वर्क कर सकते हो और जरूर से कामयाब बन सकोगे, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करना, और भी किस टॉपिक के ऊपर वीडियो हम बना सकते हैं जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।